हे हाय एंड वेलकम टू माय चैनल, आई एम डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है रिव्यू वीडियो है द मेंस कंपनी का बियर्ड ऑयल के ऊपर। ये बहुत सेक्सी सा एक बॉक्स मेरे पास आया है रिव्यू के लिए प्रोडक्ट के, और आज मैं इसका रिव्यू दूंगा। तो जितनी भी फीमेल्स मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, आई डोंट थिंक उनके लिए ये वाला वीडियो होगा, पर हाँ आप लोग भी देख सकते हो। जितने भी फीमेल्स मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं, अगर आपके बॉयफ्रेंड को या आपके हस्बैंड को या आपके किसी ब्रदर को अगर बियर्ड नहीं आती हो या पैची बियर्ड आती हो, तो वो आप ये वीडियो देखिएगा और उनको ये फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और बाकी जितने भी ऐसे मेरे मेल सब्सक्राइबर हैं जिनको पैची बियर्ड आ रही है या बियर्ड नहीं आ रही है, मूस्टेश नहीं आ रही, तो वो ये वीडियो पूरा देखिएगा। और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ आज, तो ये बहुत सेक्सी सा बॉक्स मैं खोलने वाला हूँ। इसमें दो चीज़ें हैं, देखो, एक है द मैन कंपनी का बॉडी परफ्यूम ब्लू, ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसको लास्ट 1 वीक से यूज कर रहा हूँ, आपको भी यूज करिएगा। और ये है मेन प्रोडक्ट द बियर्ड ऑयल ग्रोथ के लिए, मैन कंपनी का है, द मैन कंपनी। ओके, तो मैं इसको पूरा आपको समझाऊंगा कि कैसे हमारी जो बियर्ड होती है, कई लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे इस प्रॉब्लम को सफ़र भी कर रहे होंगे कि उनकी बियर्ड की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है या बहुत स्लो ग्रो करती है बियर्ड। और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनको अच्छे से पैची आ रही है या प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है या बहुत कम बियर्ड है, और या तो उनकी बियर्ड है तो वो मैनेज प्रॉपर नहीं हो पाती उनसे, जिनके अच्छे बाल होते हैं बियर्ड के तो वो बहुत ड्राई फिजी हो जाते हैं। तो ये कैसे आपके लिए वर्क करेगा और ऐसा क्यों होता है, मैं इसको पूरा आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये बियर्ड ऑयल भी ज़रूर खरीदेगा। और एक नीचे सब्सक्राइब का बटन है लाल रंग का, उसको क्लिक कर दो और घंटे को दबा दो, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो बनाऊँ तो आपको फटाक से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो सबसे पहले हाँ, तो हम बात करते हैं बियर्ड की और मुस्टैच की। मेरी थी, मैं इस वीडियो को बहुत दिनों से बनाने का सोच रहा था, बट मैं बहुत लेट बना रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं काम में बिजी हो जाता था और मेरी शेव कर लेता तो बियर्ड चली जाती थी। तो मैंने कहा अगर मैं बियर्ड ऑयल के ऊपर ग्रोथ वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी बियर्ड होना चाहिए, तो मैं दिखा रहा हूँ कि बट ट्रूली स्पीकिंग मैंने ये ऑयल कभी लगाया नहीं है, मैंने पर्सनली कभी यूज़ नहीं किया है। बट मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं और ऐसे कोई मेरे पेशेंट्स हैं जिनको बियर्ड नहीं आती है या बहुत स्लो आती है या उनके पैची बियर्ड है, तो मैं उनको ये प्रिस्क्राइब करता हूँ, तो वो लोग लगाते हैं, उनके रिव्यू बहुत अच्छे हैं। तो पर्सनली मैंने यूज़ नहीं किया है, बट लोगों के रिव्यू बहुत अच्छे हैं। इसमें एक ग्लिच है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको समझाऊँगा। तो एक मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले, कि ऐसा कभी नहीं होता है कि आप ये सोचें कि आप कोई भी बियर्ड ऑयल ले लें या बियर्ड शैम्पू या कुछ भी ऐसी चीज़ ले लें बियर्ड को स्टिमुलेट करने वाली, जिसमें लिखा होता है कि ग्रोथ के लिए है, तो सबकी एकदम घनी दाढ़ी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है, इस चीज़ को पूरा प्रॉपर समझिएगा ये कैसे वर्क करता है, इनकी वर्किंग प्रॉपर्टी अलग होती है। और जो बियर्ड आना या मुस्टैच आना या मूछें या बियर्ड ग्रोथ, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे जो जेनेटिक्स होते हैं, हमारे डीएनए कोडिंग होती है, हमारे बर्थ के पहले ही डिसाइड हो जाता है कि हमको कितने दाढ़ी आएगी या मूछें आएंगी, कितने किसी की बॉडी में बहुत सारे हेयर्स होते हैं, किसी के सर में हेयर्स ज़्यादा होते हैं, किसी के सर में हेयर्स कम होते हैं, तो ये सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका होता है। हमारे बालों की लाइफ साइकिल होती है एनाजन, कैटाजन, टिलोजन, तीन फेज में बाल ग्रो करता है। एनाजन फेज के बाल 4 से 6 साल ग्रो करते रहते हैं, वो ग्रो करते रहते हैं। कैटाजन में आके वो इंटैक्ट हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं होती है। एंड टिलोजन में वो फॉल आउट हो जाता है। तीन फेज में बाल ग्रो करते हैं, बट कई बार बहुत सारे रीजंस के कारण हमारे हेयर्स की, चाहे दाढ़ी के हों चाहे सर के बालों, उनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज लैक ऑफ स्टिमुलेशन, या बहुत सारे रीजन फैक्टर होते हैं जिसके कारण उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो इस ग्रोथ को जो स्लो हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें हेल्प करती हैं, उसको ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, प्यूबर्टी, जो हमारी बियर्ड होती है, मुस्टैच होती है, ये प्यूबर्टी से रिलेटेड होती है। जैसे हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, तो वो हमारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये उभरने लगते हैं, लाइक मूछें हैं, दाढ़ी है, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो ये दिखने लगते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर ये बियर्ड ऑयल को फीमेल्स लगाएंगी तो उनको भी दाढ़ी मूछें आ जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। ये स्टिमुलेट करता है हेयर फॉलिकल को, स्टिमुलेट करता है, बट उसके पीछे पीछे आपकी जेनेटिक कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल प्ले करती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने फीमेल से लगाया उनको दाढ़ी मूछें आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बट यस, ये आपको
मुस्टैच और आपकी बियर्ड को उसको स्ट्रांगली ग्रो कराएंगी। आपके हेयर फॉलिकल जो होते हैं, जो वेलेस हेयर होते हैं, रुएं होते हैं, बहुत सारे मेल्स होते हैं इनको रुएं होते हैं, बाल नहीं आ रहे होते हैं, या कहीं अच्छी दाढ़ी है, कहीं पैची बियर्ड है, कहीं बाल नहीं है, तो उस केस में ये आपको हेल्प आउट करेगा। आपके जो हेयर फॉलिकल है उसको स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ के लिए, वो स्टिमुलेट कर देगा ग्रोथ के लिए और वो अच्छे से थिक होकर ग्रो करेंगे। तो हम जो कुछ भी खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन खाते हैं या विटामिन खाते हैं या प्रोटीन खाते हैं, हमें बोल के नहीं खाते हैं कि ये मैं विटामिन ले रहा हूँ तो ये लिवर में जाए, ये किडनी में जाए, या हार्ट में जाए, या स्किन में जाए, या हेयर में जाए, ऐसा नहीं होता है। जहाँ हमारी बॉडी को लगता है कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में वो भेज देती है, बचा खुचा जो होता है वो हमारे स्किन और हेयर्स को मिलता है। तो आप अच्छे डाइट लीजिए, अच्छी स्लीप लीजिए, और फिर बालों के लिए अगर देखा जाए तो बायोटिन, ल्यूसिन, एल-सिस्टीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो आपको चाहिए बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। फॉर बियर्ड अगर मैं देखूं तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सेकेंडरी वर्क करती हैं, ये उसको हेल्प करेगी। अगर आपके बाल वेलेस हेयर हैं, मतलब रुए हैं, आपके दाढ़ी प्रॉपर नहीं आ रही है और तो आपके रुए रुए हैं, तो ये आपको क्या करेगी, उन रुओं को थिक कर देगी, मोटा कर देगी, उनकी ग्रोथ को फास्ट कर देगी। और बट इससे ये आप मत सोचिएगा कि जब भी आप इसको लगाएंगे तो आपके बहुत एकदम घनी दाढ़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये आपको हेल्प आउट करेगी उसको बढ़ाने में। तो ये बहुत अच्छी कंपनी का है, द मैन कंपनी का, और मेरे क्लाइंट्स ने, जो मेरे पेशेंट हैं, उन्होंने इसके रिस्पांस, मतलब उनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। इसको आपको कम से कम 3-4 महीने रेगुलर तो लगाना ही है मिनिमम। और साथ ही इसमें एलमंड ऑयल है, तो और एलमंड ऑयल है, अर्गन ऑयल है, इसमें थाइमस है, तो बहुत थाइम ऑयल है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें है जो हमारे हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको। साथ ही साथ अगर आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आप डर्मा रोलर लीजिएगा। डर्मा रोलर आपको 0.5 mm जो mm का होता है वो लीजिएगा। उसको आप क्या कर सकते हो, जस्ट इसको लगा, इसको आपको सुबह शाम लगाना है। तो ये जो डर्मा रोलर होता है 0.5 mm का, आप इसको फेरिएगा। इससे क्या होगा, माइक्रो चैनल बन जाएंगे। माइक्रो चैनल से क्या होगा, जब भी आप ये ऑयल वॉइल लगाते हैं या कुछ भी होता है तो वहाँ पर उसको अच्छे से वो पहुँच जाएगा। साथ ही साथ ये माइक्रो इंजरी क्रिएट करता है। जब माइक्रो इंजरी क्रिएट होती है तो वहाँ पे रिकवरी चलती है। जब रिकवरी होती है तो वहाँ पे खून का फ्लो बढ़ जाता है। जब वहाँ पे खून का फ्लो बढ़ जाएगा तो ये आपको वहाँ पे हमारे जो हेयर फॉलिकल है उनको न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से मिलेगा और ग्रोथ उनकी फास्ट रहेगी, बिकॉज वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ चुका होता है थ्रू आपका डर्मा रोलर। इसको लगाने का तरीका जो है वो है, आपको 2-3 ड्रॉप लेनी है, और ये आपको 2-3 ड्रॉप लेनी है इसको। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है तो उनको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो धीरे 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 ड्राई आउट हो जाती है, फिजी हेयर्स हो जाते हैं, थिक हेयर, कर्ली हेयर होते हैं दाढ़ी के, तो मैनेज नहीं हो पाते। बट आप जब इस टाइप के चीज़ें लगाते हैं, उनको बियर्ड ऑयल होते हैं या बियर्ड वैक्स आती है, वो अप्लाई करते हैं, तो वो आपको उसको मैनेज करने में हेल्प आउट करती है। आपने इसको 2-3 ड्रॉप लिया, इसको जस्ट हाथों से फैला लीजिएगा, और यूँ आपको इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपको इसको 2-5 मिनट तक आपको इसको मसाज करना है ताकि पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये इसमें अर्गन ऑयल है और इसमें ऑलिव ऑयल है जो आपकी स्किन को, जो नीचे स्किन है उसको भी हेल्दी ग्रोथ कराती है स्किन के सेल्स को, और इसको स्किन को स्मूथ कर देती है। इसमें जो अर्गन ऑयल होता है ये एंटी बैक्टीरियल भी होता है और एंटी फंगल भी होता है। अगर कई कई पेशेंट्स को, कई क्लाइंट्स को दिक्कत होती है कि उनको जो बियर्ड ड्रफ होती है, लाइक सर में डैंड्रफ होती है, यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है, तो यहाँ पे भी आपको दाढ़ी में भी आप देखोगे तो उनको डैंड्रफ टाइप का बियर्ड ड्रफ जो कहते हैं वो हो जाता है, इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। तो ये उस चीज़ को भी ख़त्म करता है, बियर्ड ऑयल जो है ये उसको भी ख़त्म करता है। तो आपको अगर लंबी बड़ी दाढ़ी चाहिए, जो आज की डेट में ट्रेंड चल रहा है बड़ी दाढ़ी का, बीच में अभी हो गया था कि लोग शेव, क्लीन शेव रखते थे, जैसे ऑफिस लोग होता था तो क्लीन शेव होता है, बट अब जो नया ट्रेंड आ रहा है उसमें बियर्ड का ट्रेंड चल रहा है, लोग बड़ी बड़ी बियर्ड रख रहे हैं, तो उसमें आपको उसको मैनेज करने में बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज ये आपको ड्राई आउट नहीं होने देता है, उसको जो न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिशन, वो भेजता है और हेयर को स्मूथ कर देता है, मैनेजेबल कर देता है। आपको इसको 2 दिन में 2 बार लगाना है, और चाहे तो आप कुंभ लेके उसको कुंभ से भी फेर सकते हैं। इसको लगाने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको थोड़ा थोड़ा इस टाइप से मसाज करिए ताकि वहाँ पे स्टिमुलेशन बढ़ जाए। इसको लगाने के बाद आपको थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन मुझे जो फील हो रहा हो सकता है शायद किसी किसी को,
तो वो अच्छी चीज़ है, जब इस टाइप का ये टिंगलिंग सेंसेशन होगा तो वहाँ पे मतलब दैट मीन्स इट्स वर्किंग। और जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे खून का फ्लो बढ़ जाता है, जब खून का फ्लो बढ़ता है तो वहाँ पे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है, जब न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है तो जो छोटे छोटे बाल होते हैं जो ग्रो नहीं हो रहे होते हैं ये उसको ग्रोथ में स्टिमुलेट कर देता है, साथ में उसको न्यूट्रिशन देता है जो आप हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है तो उसको भी पूरा करता है। बट मैं आपको फिर भी बता दूँ कि जो भी बियर्ड होता है, बियर्ड ग्रोथ होती है वो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कारण होती है। तो बट किसी किसी को होता है कि उनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, ग्रोथ ही नहीं हो रहे होते, बाल ग्रो नहीं हो रहे होते, तो ये उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। इसको आपको दिन में 2 बार लगाना है और उसको लगा के मसाज करना है, मसाज करने के बाद आप उसको छोड़ सकते हो, चाहे तो कंघी से भी मसाज कर सकते हो, उससे भी वो स्टिमुलेट हो जाएगा। बचा कुछ आप इधर उधर भी लगा लेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के बाल भी आपके ग्रो हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और ज़रूरी नहीं, बहुत सारे एक पेशेंट का डाउट था कि सर मैंने थोड़ा ऊपर लगा लिया, गलती से लग गया तो क्या वहाँ पर भी मेरे बाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपने कहीं और इधर उधर लगा लिया, गलती से माथे पर लग गया तो वहाँ पर आपकी दाढ़ी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये जो हेयर फॉलिकल होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के डाउट थे कि जब हम इस टाइप के लगाते हैं वो डर जाते हैं कि मैं इस टाइप के बियर्ड ऑयल लगाऊंगा तो वो दाढ़ी को तो बढ़ा देगा, गलती से लगाते लगाते मैं सो गया या मैंने कभी गलती से मेरे हाथ इधर उधर लग गया, फोरहेड पे लग गया या नाक पे लग गया तो क्या मेरे बाल वहाँ पर भी ग्रो हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारी दाढ़ी और मूछें जेनेटिकली कोडेड होती हैं, सिर्फ वही बाल स्टिमुलेट होंगे जो दाढ़ी और मूछें बनने के लिए कोडिंग कोडेड होंगे। ऐसे नहीं कि आपने माथे पे लगाया तो माथे पे आपकी दाढ़ी आना आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा डाउट है तो उसको दिमाग से निकाल दें, आपको ऐसा कहता है तो भी उसको दिमाग से निकाल दें। ये टोटली न्यूट्रिटिव एजेंट्स है इसके अंदर, जो एकदम ही नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल एजेंट नहीं है इसके अंदर और ना ही इसके अंदर कुछ ऐसा आर्टिफिशियली कोई चीज़ एडिड है जो आपको दिक्कत करे। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐसा कुछ प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये टोटली सेफ है और प्रिजर्वेटिव फ्री है। तो आप भी लगाइए और ये आपको जो मिलेगा, ओके हाँ, तो आप कहाँ, इसकी प्राइस जो है वो मैं देख रहा था, इसकी प्राइस है 350 रुपीज़, जो अमेजोन पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ये दो पार्ट में, दो उसमें वैरायटी में आता है, इसमें 30 ग्राम और 50 ग्राम में आता है, 30 ml और 50 ml, सॉरी 30 ml और 50 ml में आता है, छोटा सा ये 30 ml है, इससे बड़ा 50 ml भी आता है। 30 ml की प्राइस है 350 रुपीज़, जो आपको मिल जाएगी www.themanscompany.com में। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी बियर्ड मैनेज नहीं हो पा रही है, या आपके बियर्ड नहीं आ रही है, या आपकी बियर्ड आ रही है तो थोड़ी थोड़ी आ रही है, ग्रोथ नहीं हो रही, तो प्लीज़ आप इसको यूज़ करिए, द मैन कंपनी का बियर्ड ऑयल बहुत अच्छा है। मैंने यूज़ नहीं किया है तो मैं गलत नहीं बोलूँगा आप लोगों को, बट यस मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स और मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी यूज़ किया, बट उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं, जिनकी दाढ़ी नहीं आती थी, जिनको रुएं थे तो उनके थोड़े थोड़े उनको दिखने लगे कि हाँ इसमें वर्क कर रहा है, विद इन 1 मंथ उनको फ़र्क दिखा। तो उसके बाद मेरे को लगा कि यार ये जो बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको प्रॉब्लम है बियर्ड से लेके, तो वो इसको यूज़ करें, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाला। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब वापस कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनकी दाढ़ी नहीं आती है, या जिनकी दाढ़ी स्लो आती है, या जिनकी दाढ़ी में वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी आती होगी बट वो प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाती है, तो उसके लिए ये बियर्ड ऑयल बहुत अच्छा है, उसको मैनेज करने के लिए स्मूथ कर देता है, स्किन को भी स्मूथ कर देता है और दाढ़ी के बालों को भी स्मूथ कर देता है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, वेट करिए। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, और सी यू देयर इंस्टाग्राम, बाय।